हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज आपको हम बताते हैं कि महिंद्रा XUV 500 का क्लस्टर मीटर किस तरह ओपन करते हैं। हम आपको बताएंगे कि उसे किस तरह खोलिएगा। ठीक है फ्रेंड, कैमरा मैन जरा कैमरा पकड़िए, दिखाइए इधर जरा नज़दीकी से। सबसे पहले तो फ्रेंड ये जो कवर है इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं, ये दो क्लिप दिया है। उसके बाद से ये आपको प्लस का एक स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है, देखिए स्क्रू, इस स्क्रू को ओपन कीजिएगा। देख सकते हैं हम इस स्क्रू को ओपन कर रहे हैं प्लस के स्क्रू ड्राइवर से। इसे ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद से फ्रेंड इसको नीचे से पुश कीजिएगा ऊपर की तरह, ये दोनों हाथों से। ये देखिए, ये नीचे से पुश करिएगा कभी भी इस तरह से, दोनों हाथों से आप ऊपर की तरह पुश करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपका क्लस्टर मीटर ओपन हो जाएगा। इसके पीछे आपको दिखाते हैं हम, एक सॉकेट है, ये इसका सॉकेट है, देख सकते हैं फ्रेंड। इस सॉकेट को ओपन करके आप क्लस्टर मीटर बाहर ले सकते हैं। क्लस्टर मीटर को हमने ओपन किया है, इसका फ्यूल गेज का जो लाइट है वो ब्लिंक करता है, क्योंकि इस गाड़ी में कम से कम 20 लीटर डीजल है तो भी क्लस्टर मीटर इसका ब्लिंक करता है। फ्यूल टैंक का जो गेज का पॉइंट आता है वो पूरी तरह से ब्लिंक करता है, फुल दिखाता है। तो हम इस मीटर को चेक करेंगे और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको कभी भी इसको ओपन करना रहेगा तो ओपन करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।